कुंभ नगरी पहुँचे 188 देश के करीब 200 प्रतिनिधि। प्रयागराज कुंभ नगरी शुक्रवार को एक और ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है। 188 देश के करीब 200 प्रतिनिधि यहां होंगे और कुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखेंगे, साथ ही यहां से शांति का पैगाम लेकर लौटेंगे। विदेशी मेहमान दो चार्टर्ड प्लेन से सुबह करीब 9:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरे। प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी आदि एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में उपस्थित रहे। एयरपोर्ट से 6 शटल बसों से उन्हें संस्कृति ग्राम लाया गया। यहां से अरेल घाट जाएंगे और वहां से क्रूज से वीआईपी जेटी आएंगे। प्रतिनिधि मंडल अक्षय वट का दर्शन करेगा। इसके बाद शटल बस से ही करीब 11:15 बजे वे संगम पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। I discovered the world, because the first time I came here, I just feel like I'm home. People are very kind, and that's the most important thing to receive, to welcome foreigners in your country. It's so much that I cannot express in words when you are such a beautiful people around you, such a friendly, good-hearted people. What can you say? It's more. You have also come first time in India or Allahabad? Huh? Not first time US? No, it's my second time. Yes, I came with my dad almost 23 years ago, and in this Kumbh Mela, it happened coincidence. You know, with coincidence we came, and it was this program. Okay, you will take dip in the Sangam also. You will take dip in the Sangam also. You will take dip. Yes, but my swimming dress in the different races, different cultures, different religions, and if we come together and understand the spirituality of this meaning, which means that we can live long in peacefully in harmony with different nations all together. So, dhanyavaad, thank you. Actually, I'm a Hinduism and I love Hindu, and I love India. But this is the first time I joined Kumbh Mela, so it's an amazing experience. I'm a Shiv Bhakti, so I'm from Hong Kong, China. So thank you very much. You know, it's a great experience and amazing. Good name. My name is Jackie Hung. I'm an actor from Hong Kong. Thank you. इसलिए कि कुंभ को एक वैश्विक स्तर मिला है और विश्व के अंदर सबको पता होना चाहिए कि कुंभ वास्तव में क्या है। कुंभ सिर्फ मेला नहीं, कुंभ सिर्फ तीन नदियों का संगम नहीं है। कुंभ भारतीय संस्कृति का, भारतीय धरोहर का, भारत के सनातन धर्म का, सब चीज़ों का संगम। यहाँ पर पता चलता है कि भारत की विविधता में क्या एकता है। सब लोग आते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर एक साधारण नागरिक, सब अलग अलग मतों के, अलग अलग विचारों के लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कोई किसी साथ वाले से जब वो डुबकी लगाता पूछता नहीं कि आप कौन हैं, आप किस जाति के हो, आप किस धर्म के हो, किस मत के हो। ये एक महत्व है कुंभ का, जो हम विश्व को दिखाना चाहते हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ का प्रबंधन क्या है, किस शांति के साथ, किस आध्यात्मिक तन्मयता के साथ कुंभ के अंदर
सब लोग आते हैं और कुंभ का आनंद लेते हैं। प्रबंधन की दृष्टि से कुंभ अपने आप के अंदर एक उदाहरण है। आज तक तकरीबन 22 करोड़ लोग आकर चले गए। अपने आप के अंदर इस चीज़ की परख करना, इसका विश्लेषण करना, वो हम विश्व के ऊपर छोड़ते हैं। खबर जगत 24 न्यूज ब्यूरो प्रयागराज।